एक क्वेश्चन सब लोग जो पूछते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अलाइनर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर माय केस. स्पेशली आई गेट सो मेनी पिक्चर्स ऑन माय फोन, पीपल आर सेंडिंग पिक्स एंड आस्किंग मी, मैम इस केस के लिए, मेरे केस के लिए कितना अलाइनर्स, मेरे केस के लिए कितने अलाइनर्स. सो इट्स वेरी टफ टू से और जज बेस्ड ऑन फ्यू पिक्स दैट हाउ मेनी अलाइनर्स वुड योर केस रिक्वायर, बिकॉज द डायग्नोसिस फॉर ए केस, चाहे वो ब्रेसेस का हो चाहे अलाइनर्स का हो, उसके लिए पूरे सेट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, स्पेशली फोटोग्राफ्स, योर स्कैन एंड योर एक्सरेज. तभी हम लोग एक डिसीजन पे पहुंच पाते हैं कि कितने अलाइनर्स लगभग लगेंगे आपके केस में. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आपको ये पता करना है कि कितने अलाइनर्स आपके केस में लगेंगे, तो इट्स बेटर टू विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट, गो टू द क्लिनिक, टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन, ताकि डॉक्टर भी आपको देख सके कि क्या आपकी प्रॉब्लम है. बिकॉज कई बार वीडियो कॉल पे या पिक्चर्स में वो चीज़ नोटिस नहीं हो पाती है जो साक्षात आपके सामने, डॉक्टर के सामने बैठ के डॉक्टर आपको आपके दांत चेक करे, उसमें विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है, उसमें डायग्नोसिस मोर पक्का रहता है. तो दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट एज अ फर्स्ट अपॉइंटमेंट फॉर कंसल्टेशन, एंड मे बी आफ्टर लुकिंग एट योर टीथ एंड स्कैनिंग. स्कैनर से ये एक फायदा होता है जो मुझे लगा है मेरे क्लिनिक में स्कैनर लगने के बाद, कि इमीडिएटली हम लोग स्कैन करके आपको रिजल्ट उसी टाइम दिखा सकते हैं, और जो अमाउंट ऑफ मूवमेंट है उसको एसेस करके हम बता सकते हैं कि कितने अलाइनर्स आपके केस में लगेंगे. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड कि कितने अलाइनर्स लगेंगे आपके केस के लिए, राइट. सो प्रॉपर डायग्नोसिस विल बी एक्सरेज, photographs and scan, then only we can tell you the number of aligners, and costing bhi number of aligners pe hi depend karti hai. Jitna aapka jaise aap scan ke baad aapka pre treatment jo model hai 3D model bane jo banega, and the post treatment jo result hum log expect kar rahe hain, hum log chahte hain wo dikhega. To jo point A se point B ka jo distance hai, इस दांत को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करने का जो डिस्टेंस है, उसको स्प्लिट करके सॉफ्टवेयर नंबर ऑफ अलाइनर्स बनाता है. जितना डिस्टेंस बड़ा, उतना आपके नंबर ऑफ अलाइनर्स बढ़ते हैं, उतनी उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है. तो इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिंग एंड देन प्रेडिक्टिंग द नंबर ऑफ अलाइनर्स रिक्वायर्ड फॉर अ केस. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट, एंड देन यू कैन गेट अ स्कैन डन, and then you can come to know the approximate cost of the alignment. So that's where a diagnosis becomes important and orthodontist becomes important for a particular case. So ye question humne is video mein aaj address kiya hai. Aise bahut sare questions hum log try karenge ki aapke solve kar sake ya kuch main aapko tips de saku. Till then aap log please follow कीजिए, subscribe कीजिए, और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends में share कीजिए, so that everyone gets to know कि aligners क्या होते हैं और इनके बारे में कौन सी जानकारी important है हम लोगों के लिए. Thank you so much for watching and I will see you in the next video. Bye bye.